आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, अ मेटल स्फीयर ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज गिवन अ चार्ज 12 माइक्रो कूलम। यानी कि हमें यहाँ पे मेटल स्फीयर दिया हुआ है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो मेटल स्फीयर है, ठीक है। तो मेटल स्फीयर का रेडियस कितना है? रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें तो इसको अगर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करें 10 के पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा। और हमें यहाँ पे चार्ज यानी कि क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12 माइक्रो कूलम। मतलब कि अगर हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? -6 कूलम हो जाएगा। क्लियर बात है बच्चों? अब आगे दिया हुआ है कि हमें पूछ रहा है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है, ऑन इट्स सरफेस। तो यानी कि हमें फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया क्या बोल देता है? ये प्रेशर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है? ये होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। अब सिग्मा इज इक्वल टू, हमें पता है सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन एरिया होता है, ठीक है, सरफेस एरिया होता है यहाँ, ठीक है। तो क्यू अपॉन एरिया यहाँ पे रखें तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर बात है, ये हमारे पास फोर्स आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये क्या है? स्फीयर है विथ रेडियस आर। तो अगर किसी चीज का रेडियस, किसी स्फीयर का रेडियस आर है तो उसका एरिया कितना होता है? ये होता है 4πr² होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्रेशर का कितना आ जाएगा वैल्यू? तो प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया कितना आ जाएगा? ये q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू एरिया 4πr² का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? q² डिवाइडेड बाई 4 × 16 × 32, 32, ठीक है, π² एप्सिलॉन नॉट इनटू r के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास प्रेशर का वैल्यू। नाउ Q का वैल्यू हमें गिवेन है, कितना है Q का वैल्यू? देखो 12 × 10⁶ और रेडियस 10⁻²⁰ मीटर गिवेन है। अगर इसको हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया कितना आता है? ये q² मतलब कि 12 × 10⁻⁶ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? ये 32 × 8.85 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है ये 10⁻²⁰ इंटू π² यानी कि 3.14 का स्क्वायर। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन। इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है? 10⁻²⁰ का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 10⁻², अच्छा यहाँ पे 10⁻⁰ होगा, ठीक है, 10⁻⁰, ठीक है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100 कितना होता है? 0.1, ठीक है ना। तो ये 0.1 आएगा, ठीक है, रेडियस। तो अगर यहाँ पे अब फ्रिक्शन पर फ्रिक्शन कहते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया अगर हम यहाँ पे फाइंड करें तो हमारे पास आंसर इसका कितना आता है? यहाँ हो गया 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5.151 × 10⁻² न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया आता है। अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में ए नंबर में दिया गया है, ठीक है। तो ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, हम लोग टिक करके आएंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।